हाँ जी, राम राम जी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, हम सारे उठ गए थे, इधर चल रही है घर में सफाई। साफ सफाई चल रही है। मैं सुबह 4:30 बजे उठे थे, फिर मम्मी को उठाया। मम्मी झाड़ू लगा रही, बाहर मैं पोछा लगा रही हूँ। हम वैसे नहा भी ले, बाल बाल धोने थे। देख रहे हो भाई, उठते ही मैडम ने तो मेकअप मार लिया। वो सिर्फ ये आई लाइनर और आई का मेकअप किया था, क्योंकि रियांशी उठने के बाद करने नहीं देती, थोड़े नाजुक उस काम है ना। और इधर देखो दोस्तों, अपन कोई मेकअप नहीं कर रखा, आप फिर बीस तो सुतरे दिखा। डैडी बनवा के आए हैं। मेकअप तो कौन नहीं करा, नहीं वो तो देखो डैडी तेरे कटवाया करो। एक घंटा लगा है के मेरा के करवा के। रहने दे, कुछ भी नहीं करवा रखा, मुंह भी कौन धोवा रखा, बल्कि बाल में लाग रहे हैं। बहुत पूरी मसाज मसूज करवा के आया ग्रैंड। आराम देख लो, एक छुटकी ने तो साथ ले रहे हैं और एक ऊपर बैठा रखी है। और इधर मम्मी भी पूरा लग रही है। कल आंधी आए थे ना, तो सारे मिट्टी मिट्टी। कल आंधी किससे मारी? अच्छा, तो दोस्तों आपका ऑर्डर भी आई है क्या आंधी, बताइए एक बार। और इधर लिनिशा को देख लो भाई, लिनिशा ने गुड रे चलना स्टार्ट कर दिया, अपने आप उठ जाती है, अपने आप लेट जाती है। लिनिशा ऐ नहीं पे कौन करता। और दोस्तों आज अपने घर में बन रही है बाजरे की रोटी। तो इधर तो मम्मी ने बाजरा खाना स्टार्ट कर दिया। क्या कहना चाहते हो? किस किस के घर पे बाजरा शुरू हो गया है बताना फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे घर पे आया। इधर ये लस्सी बन गई भाई, और चटनी भी बनाई पापा ने देसी। हाँ बिल्कुल देसी खाना। और मार दो कितनी का। और इधर क्या नाम है? वैसे तो सब्जी भी कभी नहीं बनी। नहीं नहीं, सब्जी भी किया की है। किया नहीं है। और क्या है ये? पेट था गया है। अच्छा, एक ही वैरायटी ना फिर। और फाइनली दोस्तों हम रेडी होके निकल चुके हैं दुकान की तरफ। और इधर देखो ये रियांशी, देखो बिल्कुल पूरा ऊपर रही है। और इधर ये लिनिशा भी रेडी होगी, और ये बुआ वाला लड़का आ गया था भाई अंकुश। हेलो, चलो चलो और हम पहुंच गए थे शॉप पे। ये कृष्ण भाई साहब की वाइफ है कोमल रेडू, और ये इनका छोटा बेटा है। मैं लिनिशा से 1 महीना छोटा है, ये 6 महीने का होगा। और ये आंटी हैं, दीदी की मम्मी। और आप लोग तो मेरी दीदी। मैं छोटी हूँ ना, तो छोटे हो हाँ। क्या है? क्या है? अभी पी तो लिया जूस। रियांशी ने एक और ले, रियांशी जूस पे जूस पीने लग रही, दूसरा मुझे अच्छा ले। और ये जस्सू है भाई, ये बड़ी लड़की है इनके। हाँ, और ये अभी छोटा लड़का है। और आंटी तो मिलो, और ये ताई है भाई साहब की मम्मी।
और दोस्तों हम निकल चुके थे अब चंडीगढ़ की तरफ। पूरी पलटन गांव से मौसी भी आ गई थी, पीछे बैठी है मौसी और इधर ये मम्मी बैठे तैयार हो गए। अरे तमे के कहो थे बूढ़ी 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 को नहीं भाई मरी माँ मैं कहूँ था पैंट वाला सूट पहनी भाई खड़े होके दिखाऊंगे जब बताइए बुड्ढी है कि जवान है। और रियांशी सो गई उस साइड है। हाँ रियांशी सो गई सारे पैक हो गए। तो गाइस आप देखो मौसी कितनी पतली है और मम्मी कितनी मोटी है, इसका राज ही हमने बताया मम्मी ने। मम्मी जब वहां सोया तो बाकी सब तो खेत में चले जाते और मम्मी पीछे तक डावने का दूध पी जाते बेचारा भूखा थोड़ा मरना ही रोया कर दगना। और फिर दादी आकर नु कहती दूध कित गया दूध। और तो और के और एक न्यू बताओ था। फिर एक दिन पकड़ी गई मम्मी चाचा ने पकड़ ली तो दादी ने बोली भाई तने इतना दूध पिया है तो घी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तुम दो किलो घी की कटौती होगी मम्मी। कोई बात नहीं ना मिला थोड़ा भूखा थोड़ा मरना था रोया करता ये ज्यादा। अरे जब भाई वो भी इतना मोटा था जब सफर के बाद हम पहुंच गए हैं दीदी के घर। सोसाइटी में एंट्री करने लग रहे हैं और इधर पूरी तैयारी चल रही है भाई शाम के प्रोग्राम की। चलो ऊपर चलते हैं। यांशी बेटा अंदर आजा चलो आओ। और इधर भाई देखो सारी टीम के मेंबर्स बैठे हैं जो चेतन की कंपनी है उसके। और इधर लेडी स्टाफ लगा हुआ है और इधर भी भाई सारे ये अपने भाई बैठे हैं ये सारे अपने साथ काम करते हैं। पहुंच गए थे हम दीदी के फ्लैट पे। इधर आते ही चल रहे हैं खाना दाना बच्चे खेल रहे हैं। इधर मोर साहब ने आते ही पेट भर लिया अपना। मैं रह रही हूँ इस तरह होना चाहिए। और दीदी और भी अपनी तैयारी पर लग रही हैं। इधर चल रहे हैं बाल स्ट्रेट करने की। हम दोनों ने सेम सूट डाला आज कलर अलग है बस। दीदी करवा रही हैं बाल स्ट्रेट। और ये भी दीदी हमारे नीचे सोसाइटी में ही रहते हैं। यहाँ पे है ना दीदी के एक तो सुख है सब कुछ सोसाइटी के अंदर मिल जाएगा पार्लर शॉपिंग सूट है ना। सही बात है और सब आपस में इतने अच्छे तरह जानने लग गए कि एक दूसरे के घर पे भी चले जाते हैं। जैसे दीदी यहाँ जाती है या वैसे तो शॉप है दीदी की वहाँ भी चले जाते हैं। सब कुछ पाते रहते हैं ना थोड़ा सा फेस उधर घुमाओ
शाम को तो आओगे ना नीचे बस। और मौसी और अब अपने खाना दाना की तैयारी कर रहे हैं। मौसी मौसी की अभी तैयारी हो ही नहीं है। मौसी दोबारा बदले। अच्छा दोबारा बदले। अच्छा हाँ एक बार हवन हुआ था तो उस टाइम में मौसी तो बाल भी काले करेंगे। मौसी जवान भी होना है। कोई ना बिफोर आफ्टर का लुक दिखा देंगे। और इधर मेरे बुआ वाली लड़की खाना बना रही है। क्या बात है। और ये दीदी है अपने यहाँ पे इनके दोस्त हैं जीजू के, उनकी मैसेज आए हुए हैं हेल्प करवाने के लिए। पड़ोसी हैं यहाँ पे तो यही पड़ोसी हैं। एक दूसरे के काम ये हमारे सबसे लेट पहुँचने वाले मेहमान हैं। सबसे लेट नहीं है, हम तो सबसे पहले आए। कहाँ विनर विनर है हम विनर। हाँ तो आपको तो हमने भेजा था स्पेशल हमारे खातिरदारी करने के लिए। फिर तो ठीक है भाई। तो नहीं आई मीनू परसों ही आ गए थे यहाँ पे। बुआ की लड़की है और इसका भाई जो अंकुश है वो हमारे साथ आया था। और दिन में हवन हो गया था। अब हम पहुंचे हैं अभी तो। रात की पार्टी अभी आनी बाकी है। मौसी और आके डाल लिया ना। एक बार हवन हमने मिस कर दिया। लेट हो गए हमारे। वहाँ चले गए ना किशन के मुंह में। कोई ना शाम वाली पार्टी आपको दिखाएंगे दोबारा। तो फ्रेंड इस व्लॉग में बस इतना ही। अब अगले व्लॉग में नए कपड़े पहन के आपको दोबारा नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे रात को। तब तक हम खाना वाना खा लें। ये छोटा डुगलू खेल रहा है यहाँ पे बॉल के साथ। दियांशी दियांशी को अपने खिलौने मिल गए यहाँ पे बैट बॉल सब कुछ है। हेलो कर दो। हेलो बाय कर दो। चलो बाय। तो इस वाले व्लॉग में फ्रेंड इतना ही। रिंकू और से भी बात हो गई है, वो भी वहाँ चल पड़े हैं। तो अगले व्लॉग में आपको रात का जो फंक्शन होगा वो दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू टाटा बाय 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 बाय। रियांशी बाय बाय करो। बाय 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 बाय।